दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि काम करते करते बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, नींद आ रही है, मन कर रहा है कि थोड़ा सा सो लें, थोड़ी झपकी ले लें? वैसे अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आपकी जिंदगी में नींद की कमी है, आप ठीक से नहीं सो रहे हैं, जितना सोना चाहिए उतना नहीं सो रहे हैं। अब ये नींद की बात कुछ ऐसी है कि हमको बचपन से लेके बड़े होने तक कई तरीके के एडवाइसेस, कई तरीके के सलाह मशवरे मिलते रहते हैं कि कम से कम चार, कम से कम पाँच घंटे, छः घंटे, सात घंटे, आठ घंटे, नौ घंटे, दस घंटे सो, या फिर कई लोग तो इतने महान होते हैं जो सलाह देते हैं कि एक ना एक दिन तो मरने के बाद सोना ही सोना है, या सोने में क्या टाइम वेस्ट करना। तो ये जो दूसरे तरीके के महान लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो या तो खुद पेलकर सोते हैं, जिनका खुद अपनी नींद पर कोई कंट्रोल नहीं होता, या फिर वो लोग जो वाकई बहुत कम सोते हैं लेकिन उनको शायद बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि वो जितना कम सो रहे हैं उतने ही दिन वो अपनी ज़िंदगी से कम भी कर रहे हैं। बहरहाल, आज के जवाबी बाबा के एपिसोड में मेरे पास सवाल यही आया है कि कितने घंटों की नींद ज़रूरी होती है एक तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, या फिर कितने घंटों की नींद बिल्कुल मैंडेटरी है एक एक ह्यूमन बॉडी के लिए। दोस्तों, इंटरनेट पे सर्च करें तो हमको एक रिसर्च के बारे में पता लगता है जो हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। वहाँ पर रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को तीन ग्रुप में डिवाइड किया था और एक ग्रुप को सोने को बोला गया, कुछ दिनों तक उनको सोने को बोला गया चार घंटे, दूसरे ग्रुप को छः घंटे और तीसरे ग्रुप को आठ घंटे। तो उस रिसर्च के जो नतीजे सामने आए उससे ये पता लगा कि जो पहले दो ग्रुप थे जिसमें लोग चार घंटे और छः घंटे तक सोए थे, वो जब लगातार इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे तो डे ओवर डे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी कॉग्निटिव टेंशन, उनकी जो जजमेंट पावर थी, उनकी जो चीज़ों को लेकर रिएक्ट करने की जो पावर होती है उसमें दिन ब दिन कमी महसूस की गई थी। और जो तीसरा ग्रुप था जो आठ घंटे सो रहा था उसमें इस सच कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, उनमें कोई कॉग्निटिव इश्यूज़ नहीं आए थे। तो दोस्तों, इस रिसर्च के बाद जो एक बेसिक रेंज निकल कर आती है वो है 6 से 9 घंटे एक रेगुलर एडल्ट के लिए। तो आइए एक नज़र डालते हैं एक चार्ट पे कि एज वाइज किस एज ग्रुप में कम से कम कितने घंटे की जो नींद है वो रिकमेंडेड है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हाँ, रिसर्च में पाया गया है कि अगर इतने घंटे इस एज ग्रुप में सो रहे हैं तो वो हेल्दी माना जा सकता है, ठीक माना जा सकता है आपकी सेहत के लिए। चलिए देखते हैं। तो ये वो टेबल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आप देख लीजिए, इन्फेंट्स जो कि 1 साल से कम बच्चे होते हैं, 1 साल की उम्र से कम जो बच्चे होते हैं, 16 से 20 घंटे यानी कि 24 घंटे में 16 से 20 घंटे उनके लिए सोना जरूरी है। तो काफी ध्यान देने की बात है उन न्यू पेरेंट्स के लिए जिनके 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं कि वो सिर्फ रात को 8-9-10 घंटे ना सोना अपने बच्चे को, बल्कि कम से कम 16-17 घंटे की नींद वो बच्चा दे, ये बहुत जरूरी है। सो 1 से 2 साल के लिए 14 घंटे की नींद जरूरी है, 3 से 4 साल के बच्चे के लिए 12 घंटे की कम से कम नींद जरूरी है, 5 से 12 साल के बच्चे के लिए कम से कम 10 घंटे की नींद जरूरी है, 13 से 19 साल के बच्चे के लिए जो कि एक टीनेज हो गई मिनिमम 9 घंटे की नींद जरूरी है, और फिर उसके बाद हो जाता है, उसके बाद बारी आती है एडल्ट्स की, सीनियर्स की। तो उनको जैसा कि मैंने कहा कि 6 से 9 घंटे की जो एक रेंज निकल कर आती है उसके बीच में ये 7 to 8 ये दो नंबर्स ऐसे हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है एक एडल्ट या फिर एक सीनियर एडल्ट के लिए जो कि 60-65 से ऊपर होते हैं, उनके लिए भी 7 से 8 घंटे की नींद काफी जरूरी होती है। तो दोस्तों, ये 6 से 9 घंटे की जो रेंज है ये निकल कर आती है कि इतना सोना चाहिए एक टिपिकल एडल्ट को। जैसा कि मैंने कहा कि एक एडल्ट को अलग अलग उम्र में ये रेंज अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर इस रेंज में कोई नहीं सो रहा है तो क्या नुकसान हो सकते हैं? रिसर्च के द्वारा क्या सामने आया है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर कोई इस रेंज से कम सोता है लगातार फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? तो एक ओबेसिटी एक सिम्टम है, मोटापा एक सिम्टम है जो कि देखा जा सकता है जरूरत से कम सोने वालों के लिए। इसके अलावा जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनके लिए एक ये मुश्किल भी हो सकती है कि दे आर मोर प्रॉन टू हार्ट डिजीजेस, तो आसानी से वो एक दिल की बीमारी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा उनको डायबिटीज हो सकती है, उनको कॉग्निटिव इश्यूज हो सकते हैं यानी कि उनका जो दिमाग है उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, वो इतने अच्छे तरीके से चीज़ों पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे तरीके से जजमेंट नहीं दे पाएंगे। तो जहाँ पे स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपनी गाड़ी चला रहा है तो एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन कई बार लेने पड़ता है कि मोड़ें, इमीडिएट कट मारें या ना मारें, कई तरीके के ऐसे काम होते हैं जहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन पावर होती है एक इंसान के अंदर वो काफी वीक पड़ जाती है। और इसके अलावा ये भी पाया गया कि ये जो ग्रुप होता है
इन्हीं इसी ग्रुप में जो मोर्टालिटी रेट होता है वो 12% तक ज्यादा होता है, यानी कि 12% तक ये लोग ज्यादा मौत के करीब पहुंच जाते हैं या फिर जल्दी मरते हैं इस ग्रुप के लोग। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं उन लोगों के बारे में जो कि ज्यादा सोते हैं, जरूरत से ज्यादा सोते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी ये लक्षण पाए जाते हैं कि वो ओबेसिटी काफी आसानी से पिकअप कर लेते हैं, उनको भी हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग जरूरत से ज्यादा सोते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो जो कम सोते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए बुरा है, जो ज्यादा सोते हैं उनके लिए भी बुरा है, वो भी ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस, ये कॉग्निटिव इश्यूज, वीक माइंडसेट और डायबिटीज जैसी जैसी चीजें, जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और सरप्राइजिंगली जो इस ग्रुप के लोग होते हैं वो ज्यादा नुकसान में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 30% हायर मोर्टैलिटी रेट देखा गया है। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि ये हर इंसान के लिए बराबरी से एप्लीकेबल हो। इस दुनिया में हर इंसान जेनेटिकली डिफरेंट हो सकता है, फिजिकली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सबकी डिफरेंट हो सकती है, इसी हिसाब से सबकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे लिए 7 घंटे की नींद में काम हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी 7 घंटे की नींद में काम हो जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है, और वो कभी भी अगर 10 घंटे से कम सोते हैं तो वो अगले दिन बहुत ज्यादा अपना दिन थकान से भरा हुआ महसूस करते हैं, उनको बार बार नींद आती है। जबकि कई लोगों के लिए 10 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए वो ओवर स्लीपिंग डिसऑर्डर माना जाता है कि वो ज्यादा सोते हैं और इसकी वजह से भी वो ढीले ढाले रहते हैं।